19 अक्टूबर 2018 को जब हर तरफ लोग दशहरे के दिन रावण दहन की तैयारी में लगे हुए थे, तभी अचानक अमृतसर में शुक्रवार की शाम रावण दहन के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से कई लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। खबरों की माने तो अमृतसर के जोड़ा फाटक के पास शुक्रवार शाम दशहरे के मौके पर रावण दहन को देखने के लिए काफी ज्यादा तादाद में लोग वहां मौजूद थे, जहां लोग रेल की पटरियों पर खड़े होकर रावण दहन देख रहे थे। तभी अचानक तेज रफ्तार में ट्रेन आई और सैकड़ों लोगों को रफ्तार के साथ आगे ले गई। इसके बाद कई जिंदगियों के लिए वो रात आखिरी रात बन गई। हालांकि इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के ट्रेजेडी में गलती किसकी है? क्या इस ट्रेजेडी में गलती लोगों की है जो दशहरा मनाने की एक्साइटमेंट में बिना सोचे समझे पटरी पर जा खड़े हुए, या फिर ड्राइवर की जिसने इतने सारे लोगों को देखने के बावजूद भी ट्रेन काबू में नहीं कर पाए? आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी घटना के बारे में? हमें कमेंट के जरिए आप अपनी राय रख सकते हैं। नेक्स्ट नाइन लाइव से शिवानी की रिपोर्ट।